सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। काशी के अनेकों दुर्लभ रहस्य हैं, जिसमें से एक है पाताल लोक का रहस्य, जिसे आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है। लेकिन धर्मनगरी काशी एक ऐसा कुआं है जिसमें पाताल लोक का दरवाजा खुलता बताया जाता है। जी हाँ, जैतपुरा क्षेत्र के नवापुरा नामक एक स्थान पर स्थित कुआं नाकूप भी उन्हीं में से एक है। नाकूप कारकोटक नागी तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि ऐसा बताया जाता है कि यहाँ से पाताल लोक का दरवाजा खुलता है। क्या है पूरा मामला, कैसे है इस रास्ते का आवागमन, क्या इससे कोई इंसान जा सकता है पाताल लोक, देखिए इस रिपोर्ट में। काशी का प्रसिद्ध नागकूप, जिसका रास्ता जाता है पाताल लोक। नागकूप के दर्शन से पापों से मिलती है मुक्ति। नागेश्वर महादेव का दर्शन करने से दूर होता है काल सर्प दोष। काशी के अनेकों दुर्लभ रहस्यों में से एक है पाताल लोक का रहस्य, जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया। लेकिन धर्म नगरी काशी में एक ऐसा कुआं है जिसे पाताल लोक का दरवाजा बताया जाता है। जी हाँ, जैतपुरा क्षेत्र के नवापुरा नामक एक स्थान पर स्थित कुआं नागकूप भी उन्हीं में से एक है। नागकूप कारकोटक नागी तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। नागकुआं के तलहटी में लगभग 45 फीट नीचे विराजमान है नागेश्वर महादेव। जहां महादेव विराजमान है, उसके नीचे पाताल तक जाने का एक सुरंग है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी गहराई कितनी है यह कोई नहीं जानता, और कहा जाता है कि इस कूप के अंदर से ही पाताल लोक का रास्ता है। नागपंचमी के पर्व पर यहाँ काल सर्पदोष की शांति के लिए श्रद्धालु और नेमियों की भीड़ लगती है। आज नागपंचमी पर्व दिन विशेष काशी में नागकुआ मंदिर प्रांगण, नागकुंड और नागेश्वर महादेव का दर्शन का विशेषता है, और यहाँ दर्शन पूजन करने मात्र से ही मान्यता है कि सर्व दोष की मुक्ति होती है। यहाँ के जल का सेवन करने से घर और परिवार में शुद्ध शांति का वातावरण रहता है। ये आदि अनादि काल के द्वारा कूप निर्मित काशी के काशी खंड में छह कूपों का उल्लेख है, जिसमें एक ज्ञानवापी कूप है और एक आपका ये नागेश्वर महादेव मंदिर नागकुआं कूप है। बाकी चार अब कहाँ है उसकी कोई जानकारी किसी भी व्यक्ति प्रशासन को नहीं है। नागकूप के आचार्य पंडित अजय कुमार पांडे ने बताया कि मान्यता है कि नागकूप में आज भी नागों का निवास है। इस कुएं का वर्णन तमाम धर्म शास्त्रों में वर्णित है, जिसके अनुसार इस कूप के दर्शन मात्र से ही नागदंश भय के साथ ही काल सर्प दोष से भी राहत मिलती है। उन्होंने बताया कि इसलिए इस कुंड का नाम नागकूप है, जहां दर्शन मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, और पूरे विश्व में काल सर्प दोष की सिर्फ 3 जगह ही पूजा होती है, उसमें से ये कुंड प्रधान कुंड है। स्कंद पुराण के अनुसार ये वो स्थल है जहां से पाताल लोक जाने का रास्ता है। माना जाता है कि इस कूप के अंदर 7 कूप हैं। नागकुआं समिति के महामंत्री संजय सेठ मुन्ना ने बताया कि शास्त्रों के आंतरिक ज्ञान तथा कोट पत्र का ज्ञान, पांडुलिपिया जो है उनका ज्ञान शास्त्र से ही होता है, इसलिए इस परंपरा को जीवित रखना काशी वासियों का दायित्व है। यहाँ नागपंचमी पर हर साल हजारों लोगों की जुटान होती है। शास्त्रों के अनुसार नागपंचमी के दिन स्वयं पतंजलि भगवान सर्प रूप में आते हैं और बगल में नागकूपेश्वर भगवान की परिक्रमा करते हैं। मान्यता ये भी है कि शास्त्र में बैठते हैं और शास्त्र में शामिल विद्यार्थियों पर भी कृपा बरसाते हैं। नागकूप काल सर्प शांति का भी एकमात्र स्थान है।
मान्यताओं को पूरा करने के लिए लोग यहाँ चढ़ावा के साथ अपनी मनोकामना लेकर पहुँचते हैं और भोले उनकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट प्राइम टीवी। आज नागपंचमी है और ऐसे में हम इस वक्त मौजूद है वाराणसी के नागकुआं पर। आपको बता दें कि नागकुआं पर यहाँ पर आज सुबह से ही 4 बजे से लगभग भक्तों का तांता लगा हुआ है, यहाँ दर्शन करने के लिए आए। आपको तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाएंगे कि देखिए आप, यही नागकुआं है जहाँ पर लोग सुबह से ही दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। यह श्री नागेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, कुंड के तलहटी में इनका ये स्थित है। काशी के अनेकों दुर्लभ रहस्यों में से एक है यह नागकुआं, जिसे नागकुआं कहते हैं। ये पाताल नागलोक का मार्ग है। नागपंचमी को अनेकों नाग भी यहाँ पर दर्शन देते हैं। यह जैतपुरा वाराणसी स्थित में नागकुआं लगभग 45 फीट गहराई में स्थित है। नागेश्वर महादेव का दुर्लभ दर्शन प्राप्त होता है यहाँ पर लोगों को। उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर लोग यहाँ पर आते हैं और स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद यहाँ पर लोगों का मानना है कि यहाँ पर स्नान करने से सबसे मुक्ति मिलती है। आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि देखिए यहाँ पर दुग्ध अभिषेक हो रहा है और यहाँ पर पीछे हमारे देखिए आप यहाँ पर साफ तौर पर तस्वीरों में देखिए जल अभिषेक के बाद यहाँ पर दुग्ध अभिषेक हो रहा है और लोगों का यह मानना है कि यहाँ पर लोग सुबह से ही दर्शन कर रहे हैं। लोगों का यह मानना है कि यहाँ दर्शन करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। वाराणसी से प्राइम टीवी के लिए आफताब आलम। तो हमने आपको काशी के नागकूप मंदिर के बारे में बताया, जिसे पाताल लोक का रास्ता भी कहा जाता है। साथ ही साथ काल सर्प दोष से यहाँ पे जाने से, यहाँ पे दर्शन पूजन करने से मुक्ति भी मिलती है। उम्मीद करते हैं आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स के लिए, जानकारी के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।